वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट किस्म की रेसिपी लेके आ रहे हैं, जिस कीमा बड़ी शिमला आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हमें चाहिए होगा प्याज और चिकन, लहसुन अदरक और हल्दी का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, टमाटर, शिमला की मिर्च, धनिया और हरी मिर्चें। और हम इसको शिमला मिर्च को ऐसे पकड़ के ऊपर से राउंड इस तरीके से काट लेंगे, ऊपर से इसको थोड़ा इस तरह हम राउंड में काट लेंगे और अंदर से हम इसको निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह इसको बाहर निकाल देंगे, इसके अंदर जगह बना लेंगे हम। बिस्मिल्लाह, शिमला को हम इस तरह काट लेंगे। चलिए आइए हम अपना चिकन और प्याज और अपना हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट को बॉईल करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देचका चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन चिकन हमने ऐड कर लिया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, तीन हमने प्याज काटे हुए लिए हैं, तीन प्याज को हमने काट के इसमें ऐड किया है। बिस्मिल्लाह, छोटा छोटा आपने प्याज को काटना है। बिस्मिल्लाह, और इसमें एक गिलास पानी का ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाह, एक गिलास पानी ऐड करके फिर जो हमने हल्दी का और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ऐड करेंगे दो चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल मिर्च ऐड करेंगे दो चम्मच, दो चम्मच लाल मिर्च ऐड करनी है हमने। अब हम इसको अच्छी बॉईल कर लेंगे, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से बॉईल करके हम फिर आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जब तक ये हमारा पेस्ट और चिकन बॉईल होगा हम तब तक शिमला को काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी फ्रेंड्स हमने इसको गोल ऊपर से इधर से ना गोल इस तरीके से काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह काट के उसके बाद अंदर से हमने इसके बीच निकाल देने हैं। इस तरह हमने अंदर से खाली कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके भी बीज हमने अंदर से इसी तरह निकाल लेने हैं, इसको खाली कर लेना है यूं इस तरीके से। सारा नहीं, ऊपर से गुलाई में हमने काटना है गोल करके ऊपर से। इसको अच्छे तरीके से हमने गुलाई में काटना है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने कीमा भरना है।
जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिमला काट ली है। शिमला को सेम इसी तरह हमने ऊपर से गुलाई में काटना है ताकि अंदर अच्छे तरीके से हम कीमा भर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिमला काट चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो था वो बॉयल हो चुका है। आइए अब इसको चॉपर में हम इसका कीमा बनाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे, मसाला नहीं निकालेंगे हम। चिकन को इस तरह हमने 1-1 पीस करके हमने बाहर निकाल लेना है प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिकन बाहर निकाल ली है और मसाला हमने देचकी में ही रहने देना है, मसाला नहीं अभी हमने निकालना। इसको आइए अब चॉपर में हम इसका कीमा बनाते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमने मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, हमने एक गिलास पानी ऐड किया था, चिकन और अपना अदरक लहसुन और हल्दी का पेस्ट बनाया था, साबुत हल्दी ली थी उसका पेस्ट बना के हमने ऐड कर दिया था और नमक मिर्च डाल दी थी और एक गिलास पानी डाला था। जब तक पानी को हमने अच्छी तरह खुश करके फिर उसके बाद हमने अंदर से चिकन निकाल लिया था और मसाला देचकी में ही रहने दिया था। आइए अब हम उसको उसका कीमा बनाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसको चॉपर में इसका कीमा बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमने चिकन का कीमा कर लिया है, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर ली है, इसका कीमा बना ली है, अब हम देचकी वाला मसाला भी निकाल लेंगे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब हम ये जो देचकी वाला मसाला है इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमने मसाला निकाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, जो हमने ग्राइंड किया अपना कीमा उसको हम एक ट्रे में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से जो नीचे जमा होगा उसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो हमने मसाला निकाला था वो भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मसाला मिलाना, आपस में मिक्स करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है, अपना जो मसाला है और जो कीमा हमने बनाया है, मिक्स करके हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिकन का कीमा किया था और साथ में मसाला जो ऐड किया था उसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। आइए अब हम इसको शिमला में भरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हम इसमें कीमा भरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा लेंगे थोड़ा सा और इसमें यूँ ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ ऐड करके इसके ऊपर ये हमने भर दिया है इसके अंदर शिमला में, इसके ऊपर यूँ ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के फिर इसके साथ हम यूँ वो टूथ स्टिक लेके टूथ स्टिक दांतों वाली स्टिक जो होती है उसको हमने यूँ नीचे से लेके नीचे से भर उसके अंदर डालना है और यूँ ढक्कन के साथ हमने निकाल लेना है। बिस्मिल्लाह। दो तरफ से हमने टूथ स्टिक जो है ना इसके अंदर डालनी है, एक तरफ उस तरफ कर दी थी, एक एक इस तरफ डालनी है। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूवर्स, ये देखें इस तरह हमने करना है। बिस्मिल्लाह। अब दूसरे में भी इसी तरह हमने कीमा लेना है, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका ढक्कन लेंगे। बिस्मिल्लाह। ढक्कन लेके तो स्टिक लेंगे और इसको इस तरह हम हाथ की मदद से इसके अंदर
इसको ढक्कन को सेफ कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिमला बड़ी जा चुकी हैं, बस थोड़ी सी बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूं एक तरफ यूं, इस तरीके से हमने इसको बढ़ते जाना है। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिमले के मिर्चों में जो है कीमा ऐड कर दी है। अब हम इसको आइए फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। अब हम इसमें घी डाला हुआ है वो उसका गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी जो है कुकिंग ऑयल है ये गर्म हो चुका है। आइए अब हम इसमें शिमले की मिर्चें ऐड करते हैं, इसको शिमले की मिर्चों को फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिमले की मिर्च और कीमा जो है फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। जब फ्राई हो जाएगा हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। जब तक ये शिमले की मिर्च रंग बदलना शुरू करेगी फिर हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये तो व्यूअर्स इसकी निचली साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको उल्टा लेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स हमने इनकी साइड पर उल्टा ली है, अब इस तरफ से हम फ्राई करना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कीमा और शिमले की मिर्च फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस तरीके से निकालना है कि ये टूटे ना। जब ये नरम हो जाती हैं ये तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है बाहर निकालते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सॉरी मिस्टेक से एक टूट गई है। आपने इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि ये टूटे ना। बहुत ही मज़ेदार बनी है, मैंने थोड़ी सी चेक की है, मेरा दिल वो कर रहा था कि थोड़ी सी चेक करूं, इसलिए मैंने चेक की थी, बहुत टेस्टी बनी है। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिमले की मिर्च फ्राई हो चुकी हैं। अच्छे तरीके से कीमा भी और शिमले की मिर्च भी फ्राई हो चुकी है। आइए हम अब इसके ऊपर टमाटर और धनिया छेड़ के दिखाते हैं आपको। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिमला और कीमा जो हमने फ्राई किया वो फ्राई हो चुका है। अब हमारे पास जो कीमा बचा था हमने उसमें टमाटर और कुछ शिमले की मिर्चें काट के और धनिया और हमने फिर मिक्स किया है कीमे के अंदर। अब हम इसको घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कढ़ाई के अंदर हमने फ्राई कर लेना है
पाँच से सात मिनट के लिए हमने इसको फिर फ्राई करना है। फिर हम इसके ऊपर शिमला लगा के उनको दम देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स इस तरह घी में करके इसको फ्राई करना है तकरीबन पाँच से सात मिनट के लिए। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, तब तक के लिए इसे हम डांप देते हैं ऊपर से। पाँच से सात मिनट के लिए हमने इसको डांप देना है। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूअर्स, मैं प्याज ऐड करना भूल गया था, अब मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है, सॉरी। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सात आठ मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा कीमा प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने कीमा निकाल लिया, बाकी को हमने इस तरह कढ़ाई में बिछा देना है। अब हम इसके ऊपर शिमले की मिर्ची रखना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह हमने कीमे के ऊपर शिमले की मिर्च ऐड करते जाना है। जी तो व्यूअर्स, हमने कीमे के ऊपर अपनी शिमले की मिर्ची ऐड कर दी है। अब हमने जो प्लेट में कीमा निकाला था इसको इसके ऊपर हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह इसके ऊपर फेंकना है, यूं ऐड करते जाना है हमने। बिस्मिल्लाह, ऐड कर दिया है हमने केमा। बिस्मिल्लाह। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धनिया भी ऐड करेंगे। ये धनिया हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया ऐड किया है हमने। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ढक्कन बिल्कुल हल्की आंच करके हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको दम पे लगा देना है 10 मिनट के लिए। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, दम हमने खोल दिया है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत है ये देखिए, माशाल्लाह। और ज़रूर मेरी रेसिपी ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी मेरी रेसिपी टेस्ट करवाइएगा। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? बहुत ही खूबसूरत बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को मेरी रेसिपी टेस्ट करवाइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इसके साथ ही अपने भाई उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।